Hello students, welcome in our video. This video is framed for the BSc part 1 students and we are studying the group theory. कुछ group theory के examples हमने किए हैं जिनमें से आपके परीक्षा के point of view से बहुत important example हैं. आप देखिए जैसे ये जो question है आपका Z5 प्लस फाइव और उसके लिए ग्रुप अपन ने प्रूव कर रखा है. इसको चार चीज़ें लिखनी होती है टेबलर फॉर्म में, बनाना है अपने को कि प्राप्त सारणी के अवयव दिए गए सेट के अवयव हैं, अतः संक्रिया क्लोज है. ये पहला इस सारणी में आप देख लें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके पास वो उसी सेट के एलिमेंट हैं. प्लस के लिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हम जानते हैं, और इनके इनवर्स आप हर एक जगह जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ आप देख लें सारणी में, एक हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक जीरो ज़रूर होगा आपके पास. तो ये जीरो जहाँ जहाँ हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. चार का इन्वर्स एक होगा, तीन का इन्वर्स है, तीन का जो इन्वर्स है वो यहाँ से आप पता चल जाएगा जहाँ जीरो आ रहा है उसके सामने वाला जो है आपका, ये इस तरह से आप मार्क कर लीजिए. ये दो है ना, ये तीन के सामने जो है आपका वो दो है, ये जीरो जहाँ जा रहा है तो ये इसका इन्वर्स होता है. एसोसिएटिव लॉ इसके लिए लगता है, नंबर सिस्टम में एसोसिएटिव लॉ लागू रहेगा, कोई वैसा नहीं है. और एबिलियन ग्रुप के लिए आप देख सकते हैं कि आप क्या करें, ये एक विकर्ण खींच लें तो ये 1 2 3 4, ये विकर्ण खींच लीजिए आप, 1 2 3 4 ऊपर पहली रो में आ रहा है, 1 2 3 4 पहले कॉलम में आ रहा है, 3 4 0 दूसरी रो में आ रहा है, 3 4 0 दूसरे कॉलम में आ रहा है, 0 1 0 1 2 2, तो ये विकर्ण के सममित है. तो हम देख सकते हैं कि ये आपका ग्रुप है. ये नेक्स्ट जो है आपके वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये एग्जांपल 5 इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या मार्क कर रखा है आपको, एक फंक्शन का सेट दे रखा है. यहाँ आप देखेंगे फंक्शन जो पहला फंक्शन है वो जेड को कैसे परिभाषित करता है, जेड के रूप में ही परिभाषित करता है. दूसरा जो फंक्शन है जेड वो किसके रूप में है, 1/z के रूप में है. तीसरा जो फंक्शन है जेड वो क्या करता है, 1 - z बना देता है, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको. चौथा जो फंक्शन है वो क्या करता है, मतलब एक तरह से z/z-1 बना देगा. पांचवा जो फंक्शन है 1/1-z बना देगा. और सिक्स जो फंक्शन है वो क्या कर देगा, z-1/z कर देगा. तो जो अंदर जेड है उसको इस तरह से लिखेंगे, छठे फंक्शन में है तो इस तरह से लिखेंगे, तीसरे में है तो किस तरह से लिखेंगे, वो हर एक को आपको याद रखना है. ये गिवन होता है, याद रखने का मतलब वहाँ समझना पड़ेगा. और FZ = Z, सेम फंक्शन आ गया है आपका. तो ये क्या शो कर रहा है कि आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन ये है. तो अब आप देखिए इसको हम करते हैं, इस तरह से वापस टेबल बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब इनका एक का गुणा आप करके देख लीजिए कैसे करते हैं. कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपको पता है कैसे करते हैं. तो ये आप देखिए, ये F2O F3Z निकाल रखा है. तो हम क्या करते हैं, F2 (F3Z) लिख देंगे. F3Z आप उधर देखें तो ये क्या ले रखा है, 1 - z ले रखा है ना. F3Z को क्या करता है, 1 - z कर देता है. तो F3Z की जगह क्या लिख दिया हमने, 1 - z लिख दिया. फिर F2Z करना है. F2 क्या करता है, जो है फंक्शन अंदर डिफाइंड है उसका उल्टा कर देता, मतलब 1/1 में कर देता है. तो 1/1-z बन जाएगा. और 1/1-z क्या है आपका, ये जो फंक्शन है आपका वो क्या है,
F5Z है, उधर परिभाषा में हमारे को गिवन किस तरह से दे रखा है, F5 दे रखा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो F2O F3 है उसका मान क्या आ जाएगा, F5 आ जाएगा। F2O F3 का जो मान है वो किसके आ जाएगा, F5 आ जाएगा। इस तरह से हम पूरी टेबल बना लेंगे और आप इस टेबल को यहाँ लिख लीजिए। फिर वही चारों चीज़ें आपको लिखनी हैं कि दिए गए प्राप्त सारणी में अवयव दिए गए सेट के अवयव हैं। दूसरा, फंक्शन कंपोजिशन के लिए एसोसिएटिव रूल लागू होता है, ये स्टैंडर्ड है, आप सीधा लिख सकते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फॉलोज द एसोसिएटिव रूल। नेक्स्ट फिफ्थ वन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट थर्ड वन हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका जो F1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये आप याद रखें। ये जो F1 है वो क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है। F1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें उपस्थित है। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, इनवर्स। जहाँ जहाँ F1 आया है टेबल में वहाँ वहाँ आप मार्क कर दीजिए वापस से। F1 जहाँ जहाँ आया है, ये F1, ये F1, ये F1, ये F1, ये F6 है और F1 यहाँ नहीं आया है, ये आगे आया है, इसको हटा दीजिए आप। ये F1, ये F1, ये F1, ये F1 और ये F1 और ये F1 है ना, ये जहाँ जहाँ आए हैं। तो वो क्या हो जाएगा, F1 का इन्वर्स F1 होगा, F2 का इन्वर्स F2 हो जाएगा, F3 का इन्वर्स F3 हो जाएगा, F4 का भी F4 हो जाएगा, लेकिन F5 का जो इन्वर्स है वो कौन होगा, F6 होगा, और F6 का जो इन्वर्स है वो कौन होगा, F1 होगा। ये इस तरह से आपके इसके वो फंक्शन होंगे। इसका सममित देखना हो तो आप क्या करिए, एक डायगोनल खींच लीजिए। अब आप देखिए F2, F3, F4, F5, 6, F2, F3, F4, F5, 6, फिर दूसरी जो इसको वी हैव टू स्टार्ट दिस अगेन, दूसरी रो देखिए, F5, F6, F3, F4, F5, F6 है इधर और ये F6, F5 है ना, तो F6, F5 जो है वो क्या बन रहा है, सममित नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव ग्रुप, ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है आपका। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। इट इज़ क्वेश्चन में जो सेट है आपका वो किसका बना हुआ है, आपका ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जहाँ AP बिलोंग्स टू R, ये हमें गिवन है, और इसकी जो संक्रिया है वो किस तरह की है आपकी, ये इस तरह की है, A, B, एक ऑर्डर्ड पेयर और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जो संक्रिया है वो क्या लगा रखी है, O लगा रखी है। वो किस तरह से है, पहले पहले एलिमेंट गुणा हो जाते हैं और क्या होता है, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट BC गुणा होता है, इधर का पहला एलिमेंट इधर का दूसरा एलिमेंट गुणा होता है और लास्ट वाला D ऐड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या कर रहा है इसमें, फर्स्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके पास, फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, BC मतलब दूसरा और इधर का पहला, और एडिशन हो रहा है आपका फोर्थ से। तो यदि आप इनका नंबर देखें तो ये क्या है, ABCD 1, 2, 3, 4 मार्क कर दें, तो 1 और 3 गुना हो रहे हैं, फिर 2 और 3 गुना हो रहे हैं आपके, और एडिशन हो रहा है आपका D का, चौथे का। इन्होंने यहाँ पर एसोसिएटिव रूल समझा रखा है आपको कि ये एसोसिएटिव होंगे कि नहीं होंगे, तो तीन ऑर्डर पेयर ले लिए इन्होंने, तीनों का दिए गए ऑपरेशन से संक्रिया करवा दी, तो तीनों का जो मान आ रहा है वो सेम आ गया आपका, ACE, BCE, DE, F, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसोसिएटिव रूल होगा। सबसे पहले इन्होंने एसोसिएटिव रूल बता दिया,
हम क्लोज़र बताया कह ही सकते हैं, क्योंकि ये दो ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑपरेशन है वो अगेन ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो ये आपका संक्रिया क्लोज है। फिर एसोसिएटिव बता दिया, 1 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और नहीं याद रखना चाहते हैं तो मैं आगे किसी एग्जांपल में आपको करके बता दूंगा कि इसको कैसे फाइंड करें। आप इसका जो है E1 E2 ऑर्डर्ड पेयर क्या मान लें, E1 E2 का एक ऑर्डर्ड पेयर मान लें और AB का ऑपरेशन करवाएं E1 E2 से, और इसका मान क्या आ जाना चाहिए, वापस वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, AB आ जाना चाहिए। तो इस मेथड से हम देखेंगे, तो इसको हम फॉलोअप करवा देंगे। तो अगले टॉपिक में हम इसको कंसिडर कर लेंगे। इन्वर्स भी आप इसी तरह से, या तो आप याद रख लें कि इसका इन्वर्स 1/a और -b/a होता है, और नहीं तो मैं वाईकॉम से जब इसको इंट्रोड्यूस करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा। तो लेट अस फिनिश दिस टॉपिक फॉर द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, ये एग्जाम्पल 9 एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फिर एक एग्जाम्पल 10 भी अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। तो इसमें कोई दिक्कत आए आपको तो इनको आप मेरे से फ़ोन करके या अपने मैसेज व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में मैसेज डाल के कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।